Moving forward, last session of annual retreat 2021. Yes, so as you all know, last session is what? Can you guess? Reflections. So, 3 days हम लोग इतने साथ रहे, इतना सारा प्यार बांटा. कोविड की वजह से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे कि हम हार्ट से हार्ट टच होके गले नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी सिर्फ हग करने से तो प्यार नहीं बढ़ता है. लेकिन जो भी प्यार हमने 3 दिनों में एक्सपीरियंस किया है, जो भी हमने एक साथ टाइम बिताए, नए नए फ्रेंड्स बनाए, और इसकी हमारी जो भी फीलिंग्स है, हमारे जो भी रिफ्लेक्शंस है, उसके लिए ये सेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो भी गेस्ट है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने देखा, और स्पेशली ये रिट्रीट एमएचई कन्वोकेशन स्पेशल्स थी, तो उनको यूथ्स के लिए अगर कुछ मैसेज देना हो या अपना कोई रिफ्लेक्शन देना हो, सो वी वुड लाइक टू इनवाइट कि जो भी हमारे वेटरन फ्रेंड्स है वो पहले अपना रिफ्लेक्शन शेयर करें, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. गेस्ट फ्रेंड्स, यस, जो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, हम उनसे पहले सबसे पहले, यस, प्लीज पास ऑन द माइक्स. एक दो दोस्त हमें चाहिए होंगे हॉल में, वॉलंटियर्स जो माइक भाग के माइक पास ऑन कर सके. यस, ओके. हम लोग 25 तारीख को आए थे यहाँ पे, फिर दूसरे दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, और घर से नहीं, आपका पूरा सेशन मैंने देखा. फिर तीसरे दिन कॉल आया घर से, मेरे साडू है, साडू तो समझो ना तुम्हें, हाँ साड़ी ना घर वालों, तो उनका जो ग्रैंड मदर है उनका देहांत हो गया, तो बोला आपको आना ही पड़ेगा. तो मैं तो उनको तो मना लिया, मगर बीवी को तो नहीं मना सकते ना, वो कठिन काम है. और मुझे यहाँ भी इतना मज़ा आ रहा था, मैंने बोला कुछ भी हो जाए जाना तो नहीं है, देखा जाएगा, आप देखेंगे आज रात को तो होने वाला, जो भी होना है सब आएंगे घर पे, आए क्यों नहीं, मगर इतना ही काफ़ी है. अगर इतना मेरा इमरजेंसी काम था, फिर वो कोई लड़की बच्ची थी, उसने बोला कि उनके फादर भी एक्सपायर हो गए थे, फिर भी वो पूरा काम छोड़ के, वहाँ का सोशल काम छोड़ के यहाँ पे किया था, तो मुझे भी थोड़ा वो माइंड में हुआ कि मैं भी कुछ इनसे सीख रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ू उसको, क्योंकि फिर ये मौका नहीं मिलेगा. और मुझे फिर कभी संस्था वाले भेजे ना भेजे, बराबर वो भी था, तो ये मौका नहीं मिलेगा मुझे. तो मैंने सोचा कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, 4 दिन गुजार लेते हैं और सीख लेते हैं. मगर आप जितने भी बच्चे हैं, मैं तो हम तो बात करते थे रात को कि पता नहीं ये क्या करते हैं, और इतना कैसे बोल लेते हैं इतना सारा. पहला तो ऐसा था कि कितना बोल लेते हैं, ये काम तो अलग चीज़ है मगर बोल कैसे लेते. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम ज़्यादा करते हैं मगर बोलते नहीं है, बराबर, ऐसे भी लोग होते हैं, मगर आप लोग तो बोलते भी हैं और काम भी करते हैं. और आपसे इतना सीखने को मिला है, आपको पता नहीं होगा, आपको अंदाज नहीं होगा आप लोग क्या कर रहे हो. आने वाले दिनों में आप एक पूरे जो भी गुजरात से है, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से है, पूरे आप रोल मॉडल बनोगे. कभी भी हम लोग भी काम करेंगे ना, तो हम आपका एग्जाम्पल देंगे. हमारे जो ईसी है, हमारे पास अभी 450 ईसी काम कर रहे हैं, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर की आर शॉप में. अभी हम जाएंगे ना तो हम लोग लीड कर रहे हैं उन लोगों को, तो हम भी आपका रोज एग्जाम्पल देंगे. अरे बराबर, तो और आपसे जो सीखा है, आपसे जो लिया है हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े हैं तो हमारे पास सब कुछ है, ऐसा नहीं होता. पहले हुआ ना गुजराती मकियावत के शिक्षक हरती पढ़ती लाइब्रेरी वैसे है ना, तो हम लोग सब ऐसे ही है, सब सीखते रहते हैं लाइफ टाइम. और आपसे बहुत कुछ सीखा है,
और आपसे मिलके हमको भी जोश आया है कि हमारी जो टीम है, हम लोगों ने उनको जो इतना डेवलप किया उन लोगों को, तो अभी आपका एग्जांपल लेके हम और एमएचसी है, फिर दूसरे जितने भी आपके प्रोजेक्ट आएंगे हम लोग करने वाले हैं और ज्यादा करेंगे, वहाँ पे अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच। यस, और सबको रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सबको कुछ ना कुछ बोलना होगा, सो हम जो भी बोलना चाहते हैं वो थोड़ा ब्रीफ में भी शेयर कर पाए। यस प्लीज। यस माइक। वैसे तो ये मेरी पांचवी मुलाकात है ओएसिस में, लेकिन इस बार की मुलाकात वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रही। मैंने देखा ये स्पेशल एमएचई कॉन्वोकेशन का था, अच्छी अच्छी एमएचई की स्टोरीज सुनी, जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में और औरों की जिंदगी में आप सब लाए हो, तो लगता है कि इतनी कम उम्र में आपने कितना पाया है। तो मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, 22 ईयर से स्कूल कॉलेजेस में काम करती हूँ, तो पक्का मुझे लगता है कि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम जो नहीं कर सकती है वो ओएसिस ने कर दिखाया है। थैंक यू। और यहाँ जैसे भैया ने बताया वैसे मुझे भी लगता था कि कितना अच्छा आप बोल लेते हो, तो काम तो करते हो, आपके दिल में इतनी कुछ करने की आग है, धगश है, बड़ी संघर्ष आपकी स्टोरी में हमने सुने, तो उन संघर्षों के बावजूद भी टिके रहना, इतना सब कुछ करते रहना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना और साथ में एक सोशल लीडर बनके समाज के बदलाव की ओर आगे बढ़ना, तो ये आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है हम सबके लिए। और 3 दिन से बस ये एक संकल्प लेके मैं यहाँ से जाऊंगी कि अब की बार भावनगर का भी रिप्रेजेंटेशन एनुअल रिट्रीट में होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे तो हर बार आती हूँ तो ऐसा लगता है कि भावनगर के बच्चे यहाँ कब आए, उसकी लाइफ में कैसे बदलाव आए, भावनगर के टीचर्स को ये सब मौका मिले, लेकिन अब ये पक्का संकल्प है और अगली रिट्रीट में आप भावनगर को देखेंगे। थैंक यू। वैसे हमारे साथ ऑलरेडी एक दोस्त है जो भावनगर से है। कॉन्टेक्ट। यस प्लीज। यस वैभव जी। अभी आ रही है आवाज? पूरा निकाल दीजिए। ओके, तो पहले तो मैं शुक्रिया कहूंगा कि शिवा जी का एंड कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया। वो काफी साल से बात हो रही थी कि रिट्रीट पे आना बहुत जरूरी है, अब मैं समझा क्यों वो इतने साल से बोल रहे थे। और मुझे लगता है आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड द टीम हियर कि जिस तरीके से मुझे यहाँ पर पूरा वेलकम किया गया एंड द काइंड ऑफ जिस तरीके की आपने जब शेयर किया, तो वो केवल आपके लिए नहीं, वो दूसरों पर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पर, आई रिमेम्बर 3-4 डेज बिफोर आई वॉज नॉट इन अ वेरी गुड प्लेस मेंटली, मैं भी थोड़ा सा यू नो आई वॉज फीलिंग होपलेस और इस टाइप से मूड था, लेकिन जब मैंने आपको सुना एक वो जागता है कि नहीं बहुत कुछ हो सकता है। और यही लोग हैं, अपना भी याद आ जाता है कि जब हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर में आए थे उस एज में, तो यही फीलिंग्स थी। और तो वो रिमेम्बरेंस और वो इंस्पिरेशन जो है वो दोबारा से आपको यू नो रिजुविनेट कर देता है जितनी भी एनर्जी लॉस होती है। और मैं अंजीव भाई का और पूरी ओएसिस टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आई वांट टू सल्यूट एवरीवन हियर कि मैं भी क्योंकि एजुकेशन का स्टूडेंट भी रहा हूँ, जहाँ हम लोग पढ़ते ही हैं कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है एंड वी कीप ऑन रीडिंग, बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। और यहाँ के हम देख रहे हैं कि एक्चुअली वो हो सकता है,
वो जीता जागता हाल है और वो होएगा. सो ऐसा नहीं है कि केवल थियोरिटिकल कंसेप्ट है कि हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, बट दैट काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल. फॉर द यूथ जो आप लीडर्स जब निकले हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि एक यंग एज है, इस टाइम जब आप सोशल चेंज में जाते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है या फिर जितना मैंने पढ़ा है, मैं आपको एक वैसे तो आप ऑलरेडी काफी जानते हैं, लेकिन एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि समाज आपको चाहे या क्लैप करे, समझ रहे हैं? बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. वेन यू आर गोइंग फॉर अ चेंज, दे मे एक्चुअली रेजिस्ट इट, बिकॉज दैट इज वॉट इज द चेंज दैट यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन. सो हो सकता है कि आपको ज्यादा गाली सुनने को मिले या फिर आपके ऊपर आपके अटैक हो रादर देन आपके साथ हों लोग. आपको ताली शायद बहुत दिनों बहुत सालों बाद मिल सके या फिर आपके जाने के बाद लोगों को पता चले कि आपने क्या काम किया है. तो डू नॉट लुक फॉर कन्फर्मिटी इन द सेंस कि वहां से मुझे मैं जो बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ वहां लोग मुझे क्या बोल रहे हैं. सो बी अवेयर ऑफ इट. हो सकता है कि अगर गाली बजाएं तो आप गलत राह पर चल रहे हैं. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट. और दूसरा मैं कहूंगा कि आप कभी भी हेल्प मांगने के लिए हेजिटेट मत करिए. That is very important. कई बार हमें लगता है कि हम खुद करेंगे. वो बहुत अच्छा जरूर है, लेकिन काफी लोग जो है ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं और हेल्प से आपको लर्निंग भी मिलती है दूसरे की और दूसरे को भी आपको आपका सपोर्ट मिलता है, आपको जानते हैं. बींग वल्नरेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, आप बोल सके कि नहीं मुझे इस चीज की जरूरत है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट योर सेल्फ और दूसरे को आप बता सके कि नहीं इस चीज की किसी भी चीज की जरूरत है. और मुझे ऐसा लगता है मतलब मेरे एक्सपीरियंस से आपको हेल्प बहुत मिलेगी. इतने लोग हैं यहाँ पर देश में भी दुनिया में भी, जिस भी चीज में आपको हेल्प चाहिए आपको मिलेगी, बट यू हैव टू सर्च फॉर इट, यू हैव टू एक्सटेंड योर हैंड फॉर इट. ठीक है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई एम होपिंग आई विल रिमेन इन टच विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. प्लीज पास ऑन द माइक. सभी को नमस्कार. ये फोर्थ रिट्रीट है मेरे लिए और हर बार नया लगता है. तो ये इस बार जो म्यूजिक की बात हुई है तो म्यूजिक से ही मैं भी अपना फीडबैक देता हूँ कि आपका इनविटेशन मिला, आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, आपने याद मुझको किया. क्योंकि यहाँ आने का सबको मौका नहीं मिलता है, हर बार भी नहीं मिलेगा, तो मुझे कुछ करना होगा यहाँ हर साल आते रहने के लिए. तो ये बात भी मेरे दिमाग में है, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से ओएसिस की शरण में आया. थैंक यू. और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो मोरों को जीवन देता है. तो मैं पिछले साल से जब डिफिकल्ट डायलॉग था तब से मैं पेरेंट्स की पार्टी में से बच्चों की पार्टी में कन्वर्ट हो गया हूँ. तो कल भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बच्चों के साथ था. और एक बात यह है कि मैं अभी फुल्ली कन्विंस्ड हूँ कि कोई भी बच्चा, वो कोटेशन था लेकिन अब मैं कन्विंस हूँ कि कोई भी बच्चा कभी भी खराब नहीं होता है, केवल जो पेरेंट्स और टीचर्स है वो ही प्रॉब्लम है. तो ये मैं वो ही दो एरिया में काम करना चाहता हूँ. मैं पेरेंट्स के पेरेंटिंग वर्कशॉप में या तो ज्योतिष दर में वो टीचर्स के साथ काम करना हूँ. थैंक यू. मैं अंजलि दिल्ली से हूँ. पहली चीज, मैं यहाँ की एक छोटी सी चीज, छोटी नहीं है, बहुत डिफरेंट थी मेरे लिए, बहुत हाईलाइटेड है, वो है वेगन ट्रीट. वो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है. मैं सोची थी वेजिटेरियन मटेरियल होता है क्योंकि आई एम वेजिटेरियन, बट यहाँ के पता लगा कि दूध तो मिलेगा ही नहीं. तो वो दूध वाला इफेक्ट, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं 1-3 किलो दूध एक ही दिन में पी सकती हूँ, 1-3 किलो दूध आराम से पी सकती हूँ. लेकिन यहाँ के जब पता लगा तो बहुत डिफरेंट था, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था. एंड वैभव सर के एक उसमें ऐड करूंगी क्योंकि मैं सारी चीज, मतलब जो मुझे बोलना था वो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है. मैं एजुकेशन ही उससे हूँ, लेकिन एक
पता लगा कि एक्चुअल में चीज जो होनी चाहिए वो यहाँ हो रही है, जो मुझे चाहिए कि हाँ ये चीज डेवलपमेंट होनी चाहिए इंडिया में वो चीजें यहाँ तो हो रही है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल कि एटलीस्ट मेरे साथ कुछ है, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ इतने अच्छे मुझे एटमोसफेयर नहीं मिलता है कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन यहाँ आके मैं कह सकती हूँ मेरे साथ सपोर्ट है तो मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड मैं शिवा मैम को और टीना मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि उनकी बदौलत मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैंने पापा को मनाया है तो सिर्फ इनकी इंस्पिरेशन की वजह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ आया तो मैंने ये पाया कि हमारे बच्चों में कितनी टैलेंट्स छुपी हुई है, हम उन्हें बाहर लाने में या हम उन्हें पॉलिशिंग करने में कहाँ तक सिस्टम पे दोष दे दे पीछे रह जाते हैं। तो एक कहावत है कि वयम राष्ट्र पूर्वयिता पूजयिता, तुम इस राष्ट्र के सबसे बड़े पूजनीय पुरोहित बनो। पुरोहित मतलब वो नहीं जो क्रियाकांड कराता है, कि जो एजुकेशन को सुधारता है। ना आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा यूथ पावर अभी इंडिया के पास है। दिस इज द बेस्ट टाइम यू स्प्रेड योर वर्क। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा, रामकृष्ण ने विवेकानंद बहुत इंटेलेक्चुअल थे ना, वो उसी से वहां पाने गए थे उनको, तो उन्होंने नहीं दिया। उन्हें भगवान को तो पाना है तो क्या संवेदना से पाना होगा। तो ये जो संवेदना है ये हृदय से होती है। ज्ञानदेव ने भी गाया था कि ज्योत से ज्योत तू जगाए तुझा, प्रेम की गंगा तू बहाए तुझा। तो ये जो प्रेम की गंगा संजीव सर ने आपके अंदर बहाई है, उस गंगा को आपको बहाना है। हम तो ज्योतिर्देव, पर आप तो राष्ट्र के अग्रदूत बनने जा रहे हो। मैं आपको अग्रदूत की व्याख्या में रखता हूं। और अग्रदूत को ये होता है, ज्ञानदेव ने ये गीत जब ही गाया था कि समाज ने उन्हें बहुत ही वो नेगलेक्ट किया था, तो वो बड़े नाराज होकर घर का दरवाजा बंद कर दिया था उन्होंने। तो उनकी छोटी बहन ने यह गीत गाकर उन्हें बाहर निकाला था कि प्रेम ज्योत से ज्योत तू जलाए तुझा, प्रेम की गंगा बहाए तुझा, राह में मिल जाए जो दिल दुखिए को ही। आप उनको अज्ञान भी समझते हो, तो उन्हें तो उनको गले तू लगाए तुझा, तुम्हें राह में मिलेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत काम करना है। और ये वास्तविक समय है, जिसको गाली पड़ती है ना वही सबसे आगे जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो आपके जैसे ही है, बहुत गाली खाते हैं। तो आप भी वही प्रधान हो, पोस्ट से नहीं हो पर आप देश के अग्रदूत हो, ये हमेशा ध्यान रखना। और आप हमेशा खूब अच्छी प्रगति करो। और मैं भी ये चाहता हूँ, मैं एक शिक्षण संस्था का आगेवान हूँ, तो आपके जितने विचारों से, आपके जो जितने हृदय की संवेदनाओं से, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ा बहुत अनइजीनेस लग रहा था। सुबह में हम निकल जा रहे थे, पर क्या कहूँ, जो इंस्पायरेशन स्प्रिट मुझे हर्ष ने दी, नहीं पापा आखिरी तक एंड तक रहना है। मेरी रजा सैंक्शन नहीं हुई, मैं बिना छुट्टी सैंक्शन कराया आ गया, क्योंकि रात को इसने कहा कि पापा इफ यू नॉट वेलकम आई विल नॉट स्लीप। तो मैंने कुछ वहां पर एक लेटर भी नहीं लिखा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे ने मुझे बुलाया है। जब बच्चे बुलाते हैं तो ये ताकत होती है। और बदलाव तो मैं क्या कहूँ, हमारे बच्चे में जो मैंने देखा है, तो ये तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि सभी में आप में वही ट्रांसफॉर्मेशन आया है। काफी ऑब्स्टिनेट था, मेन एंगर टाइप था, पर इतना पोलाइट हो गया ना कि एक एक घंटे तक हम उस पर फायरिंग करते हैं। ओके पापा। उस बात से वो जो रखना चाहता है ना, सिंपली वेरी स्वीट वर्ड से, थैंक यू पापा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना, तो मैं तड़प रहा था यहाँ आने के लिए, इसलिए तड़प रहा था कि इनके विजनर कौन है, उन्हें मुझे मिलना है। अभी तक मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी,
दो साल के बाद में मैं उससे कुछ अलग फील्ड में या काम करने के लिए, मैंने कहा अगर सीखा है तो मैं खुद भी बहुत डेडिकेटेड हूँ, मुझे इसने बहुत सिखाया है। मैं ट्यूशन क्लास चलाता था, पैसे लेकर इसने बंद करवाए कि पापा पैसे लेके ट्यूशन नहीं चला हुए और एक ऐसी संस्था थी कि जहाँ संस्कृत पढ़ाने के लिए मैं 3 साल तक उन बच्चों को 10वीं में संस्कृत ना छोड़ दे ताकि वो यूनानी और BHMS उनका नहीं छूट जाए। तो मैंने कहा कभी कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो अभी देश की सेवा ऐसे भी हो सकती है कि हमारे BHMS DHMS जो निकलते हैं बच्चे। तो मैं 3 साल तक गया और मुझे जो खुशी महसूस हुई वो काबिले तारीफ है। वैसे छोटा मोटा काम भारतीय ज्ञान संस्कृति एक होती है, एग्जाम होती है, वो मैं भी लेने जाता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि पढ़ाई और घड़ाई इसमें बहुत फर्क है। हम पढ़ाई कराते हैं, आप घड़ाई कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट। आप जो कर रहे हो वो काबिले तारीफ है, आप देश के वास्तविक अग्रदूत बनो। और सबसे बड़ा जो मैसेज है आपको मिला है, प्रेम की गंगा तू बहाए तेजा, दीप से दीप तू जलाए तुझा। अब दीप तो नहीं, टॉर्च मसाल जलाने का समय आ गया है, क्योंकि सब कहते हैं ना कि ऊपर से अनुकूल वातावरण आ गया है, 2025 तक पूरे देश की कायाकल्प पलटने वाली है, शायद उसके आप सब भागीदार बनो, यही शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, थैंक यू। यस योगेश भाई, वीरेंद्र भाई, नमस्कार। नमस्कार। આજે મને જયારે રિટ્રીટમાં ગઈ વખતે પણ આવવાનું હતું, પણ એ વખત નતો આવી શક્યો, એટલે આ વખતે મુજે લાસ્ટ બાર ભી આના થા નહીં આ પાયા તો મેં ઇસ બાર તો થાન લિયા થા કે મુજે જાના હૈ, મેં ઓર મેરી વાઇફ દોનો આને વાલે થે, લેકિન કુછ વજહ સે વો નહીં આઈ પઈ, મેને રિક્વેસ્ટ કિયા કે મેં તો જાને વાલા હું, મુજે આજ જાના હી હૈ। और इससे मुझे इतना जानने को मिला कि पूरा जो ओएसिस का पर्सपेक्टिव, मैंने सिर्फ L3 का ही मुझे मालूम था, बाकी मैं बुक्स, मेरे पास पूरी बुक्स का सेट है, मैं संग काफ़ी हाकल बुक्स भी मैंने हमारे एम्प्लॉय के लिए और काफ़ी लोगों को मैंने पढ़ी और मैं उसके लिए रेफरेंस भी करता था, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी एक्टिविटी चल रही है और रियल में यूथ का एक डेवलपमेंट हो रहा है। जो भाई ने बताया ना कि जो एक सही में, सही मायने में तपोवन है कि एक एजुकेशन के लिए, किसी भी जगह पे बोलो तो सब लोग बोलते हैं कि भाई एजुकेशन गलत है, गलत है, गलत है, सब एजुकेशन को बोलते हैं, लेकिन सही क्या है, तो उसका प्रयत्न ये संजय भाई और अपनी टीम कर रही है, मैं उनको ऋषि के तुल्य समझता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो और काफ़ी समय के बाद ये आत्मा जाके मुँह से नाचिकेता का नाम सुना, मैंने इतनी मुझे खुशी हुई कि अभी ये बच्चे नाचिकेता की स्टोरी सुनना अलग बात है, नाचिकेता बनने के लिए वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सब लोग, सभी लोगों ने बोला कि किसी भी जगह पे जाते हो ना तो केरला की दिक्री ने भी बोला, महालक्ष्मी ने, जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, महालक्ष्मी हो जाएगी जय लक्ष्मी से, तो जयलक्ष्मी ने भी बोला कि वहाँ किसी के वहाँ जाते हैं तो अभी इतना टाइम बुरा है कि लोग विश्वास ही नहीं करते कि आप ऐसे आए हो, आप सेल्फलेस वर्क और सेल्फलेस लव देने के लिए आए हो, ऐसी चीज लोगों के दिमाग में नहीं है। इस टाइम में आप ये मिसाल लेके निकले हो, तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। और अभी मैं नॉर्थ गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो नॉर्थ गुजरात में कोई अभी वहाँ ओएसिस की मूवमेंट नहीं है, तो मैंने भी ऐसा दिल में ठाना है कि अभी विसनगर तालुका में करीब 56 विलेज है और 11 छोटे छोटे पॉकेट है, तो मैं सोचता हूँ कि अगले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मिशाल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो और लाइफ कैंप करे और फिर बाद में ड्रीम इंडिया कैंप करे और MHE में आए, कि वो ऐसे करके मुझे लीडर तैयार करना है, क्योंकि अब तक मेरी एक, मेरा भी एक पैराडाइम टूटा है कि मैं करूं और मेरे पास टाइम नहीं था, इसकी वजह से मैं किसी जगह पे सुकड़ा हुआ था कि मैं नहीं कर सकता और होता भी नहीं, तो मतलब विश विश ही रह जाती थी। अभी मुझे
रिट्रीट में से एक डिरेक्शन भी है मेरा, ये ब्रेक थ्रू बिजनेस में हम करते थे लेकिन इसमें ऐसा लगता था कि भी सोशल काम करना है तो खुद ही करना है, बाकी मतलब टीम बना के किसी को सौंप नहीं सकते और हर प्रोग्राम में मैं आगे ही बैठना चाहिए, ऐसा मेरा एक पैराडाइम था। लेकिन वो पैराडाइम टूट गया है और मैं अभी काफी मतलब टीम बिल्ड करके प्रोसेस मुझे पूरी मालूम हो गई है, तो ऐसे करके नॉर्थ गुजरात में भी पूरा मैं करने वाला हूँ, वैसा मैंने ठान लिया है, रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। और हम एक स्कूल में भी काम कर रहे हैं, वहाँ कैरेक्टर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ से वहाँ ड्रीम इंडिया कैंप एक ही किया था, नहीं लाइफ कैंप एक ही किया था, लेकिन अभी वहाँ भी आगे प्रोसेस चालू हो जाएगी। और हमने उदय भाई के साथ में वहाँ उसका ज्योतिर्ग का इंट्रोडक्शन भी मेरे वहाँ किया था, लेकिन बाद में फिर कोरोना आया तो पूरा ब्रेक हो गया। लेकिन उदय भाई और जो केएस फाउंडेशन के साथ मेरा बहुत अच्छा लगाव है, तो मिलके नॉर्थ गुजरात में भी इस अगले रिट्रीट तक कुछ सॉलिड काम करने का मैंने सोच लिया है। और आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संजीव भाई ने बोला योगेश भाई करके, वो मेरा एक्चुअल ये अलग था, उनको मिलना था लेकिन बीच में विचार आया कि आज संजीव भाई तो काफी सालों से सबको स्टोरी सुना रहे हैं, तो क्यों ना आज हम थोड़ा हंस ले और संजीव भाई की ही एक स्टोरी सुने जो शायद संजीव भाई ने शायद किसी को नहीं बताया है। संजीव भाई मैंने संजीव भाई और टीम, हमें सबको ऐसा दिमाग में आता है कि ये कब शुरुआत हुई होगी, क्या बेज रहा होगा संजीव भाई को और टीम को, क्या दिमाग में आया होगा, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य है। मैं थोड़ा फ्यूचर में जाऊंगा, विजुलाइज करें, संजीव भाई अपने घर में झूले पर बैठे बैठे, संजीव दादा 10 साल के बाद की बात है, झूले पर झूल रहे हैं 20 साल के बाद, लेकिन मैं जो आगे कहने जा रहा हूं तो आप कहेंगे कि 10 साल बराबर है। वो अपने अपने फेवरेट एक्टिविटी थिंकिंग चिंतन मनन कर रहे थे, उतने में छोटी जूनियर आत्मजा दौड़ती भागती आई, जूनियर आत्मजा मैं कह रहा हूं इसीलिए मैंने 10 साल बोला, दादा दादा मुझे कोई स्टोरी सुनाओ। फेवरेट दादा ने बोला कि आओ बेटे बैठो, मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको। दादा ने सुनाना चालू किया, बेटे स्टोरी एकदम छोटी सी है, 2 लाइन की है। आपको पता है कि भगवान ने ये सुंदर सृष्टि का सर्जन क्यों किया? बोला नहीं दादा मुझे नहीं पता है। बोला जो सर्जन किया था ना, तब भगवान ने एक शर्त रखी थी इंसान के सामने कि जब तक ये दुनिया में 36 ऐसे सत्कर्मी आदमी जिंदा होंगे कि जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करके समर्पित करके काम करेंगे, तब तक मैं ये दुनिया जिंदी रखूंगा वरना उसका अंत हो जाएगा। छोटी बच्ची थी, दिमाग में आया ओ दादा इसीलिए आप ओएसिस, दादी भी मौसी भी मम्मी भी ये भी मामा भी मामी भी काकी भी, तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हुए कि दादा हमें कैसे पता लगेगा कि हम वो 36 में है कि नहीं है। बेटा ये किसी को नहीं पता है कि आप 36 में हो कि नहीं हो। दादा आपको मुझे भी नहीं पता है। वो सोचने लगी कि अगर मैं नहीं रही 36 में और 36 का आंकड़ा नीचे हो गया तो ये मेरा घर मेरा ओएसिस ये सब कुछ कुछ नहीं रहेगा, मुझे तो फिर बनना ही पड़ेगा। दादा इसीलिए बने हैं और चालू है वो प्रयत्न। तो इस तरह से ये संस्कार की स्टोरी आगे बढ़ रही है, आप सबकी और हमारी सबकी क्या जिम्मेदारी है
वो इसमें एक इंडिकेशन है। थैंक यू। और एक्चुअल में ये स्टोरी हिब्रू जूइश जो संस्कार होते हैं, जूइश घरों में कोई बच्ची ने अपने दादा के पास से ये स्टोरी सुनी थी, जो मैंने संजीव भाई का नाम लेके आगे थैंक यू। यस, हमारे पेरेंट्स जो पहली बार आए हैं, anybody would like to share? Hello everyone. Hello. I am Sandeep. I am from Dr. K. Ashraf Foundation. Very recently, I have shifted to Sabarkantha to work with Dr. K. Ashraf Foundation. मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो वहाँ की लोकालिटी, वहाँ का लोकल क्या है, वो सब थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। तो जैसे ही मैं साबरकांठा गया तो मैंने देखा कि वहाँ कल्चरल हेरिडिटी क्या है, वहाँ की रिचनेस क्या है, फॉरेस्ट और वो सब तो है ही है। मैंने वहाँ का एक लोकल पोएट की एक पोएम्स पढ़ी, इसके अंदर लिखा था, गुजराती में है, उसके वर्ड्स हैं, तू तारा दिलनो दीवो थाने ओरे ओरे ओ बाया। इट्स इन ट्राइबल डायलेक्ट्स, तो वर्ड्स ऐसा है कि तू तारा दिलनो दीवो थाने ओरे ओरे ओ बाया, रखे कदी तू उछी ना ले तो पारका तेज अने छाया ओरे ओरे ओ बाया। उसका फर्स्ट अंतरा था, इसमें लिखा था, कोड़ियो तारो काची माटीनो तेल दिवेट छुपाया, नानी सी सड़ी अड़ी ना अड़ी प्रगट से रंग माया ओरे ओरे ओ बाया। बहुत पहले मैंने और एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसके अंदर लिखा था, एवरी चाइल्ड बोर्न एज अ जीनियस बट आवर एजुकेशन सिस्टम स्पेयर देयर फर्स्ट क्वार्टर डीजीनियसिंग देम। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो काची माटी ना कोड़िया है, यानी जो नानी सी सड़ी रंग माया प्रगटावा माटे जे अड़ावानो अड़ावानो जे यज्ञ थई रह्यो छे, अने जे नाना नाना कोड़िया सुंदर रीते प्रगटी रह्या छे कि जेनाथी प्रकाश सोसाइटी में एटलो फैलाशे कि एक दिवस सूरज ने पण एवुं थशे कि मारे रिटायर थवुं हशे तो हवे हुं थई शकीश। थैंक यू। So I am so happy to see this movement. I am so happy to see this, the Yagna, and extremely pleased to see all these things. Thank you so much. Thank you. Yes. Parents. पेरेंट्स और आई गेस वीरेंद्र भाई को भी बोलना चाहिए, आपका जो भी मैसेज हो हमारे लिए और आपकी पूरी टीम जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई है। टीम फर्स्ट टाइम आई है, मैं नहीं। आप नहीं? इसलिए मैं नहीं हो रहा था और मुझे मैसेज कुछ नहीं देना है, तो अब मैसेज तो आप जो आपका है वही सब जगह पहुँचे। एक शुभकामना ये जरूर है कि आप लोग जो है जिस इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, इसी इंटीग्रिटी के साथ जुड़े रहें और सब लोग आपके साथ हैं, ये आपके पीछे हैं, ऐसा नहीं है कोई आपके पीछे नहीं है। हम लोग तो जिस हद तक जुड़े हुए हैं वो तो अल्केश भाई या शिवा बहन जब भी याद करेंगी, हम आपकी मदद जैसी हो सके वैसे करेंगे ही। आप लोगों के लिए शुभकामनाएँ हैं कि आपको जो जिम्मेदारी मिल रही है इस जिम्मेदारी को भली भांत निभाएं और विश्वास है कि आप उसे बहुत अच्छी तरह निभाएंगे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना। थैंक यू। रेखा बेन, आप जो अनुभव किया
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज ये कारवां इस मुकाम पर पहुंचा है संजीव भाई, कि आंखों को दिल को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, बहुत सुकून होता है, क्योंकि वो कारवां की शुरुआत जैसे हम लोग साथ में मिलकर एक एक व्यक्ति से मिलता था, और अब आपके साथ पूरा देश है। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि जैसे हर दिया दूसरा दिया जला सकता है, तो एक दिए से 11 दिए जलें, 11 से 111 जलें, और आगे हजारों दिए आप लोगों के दिलों में जलाओ और ये ज्योति हमेशा फैली रहे। थैंक यू। थैंक यू। હેલો હેલો બહુ સરસ, કશું કહેવાનું તો રહેતું નથી, પણ ખરેખર તપોવન પદ્ધતિથી શિક્ષણ અપાતું હતું એ રીતે સંજીવભાઈએ સરસ શિક્ષણ અને ઘડતર બંનેનું બાળકોમાં સરસ કાર્ય કરી રહ્યા છે। થેન્ક યુ। હેલો હેલો યસ नमस्कार। नमस्कार। आज बेहद खुशी है हमें, जहाँ भारत में और समाज में देख रहे हैं कि हर जगह बिखराव दिख रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अलग अलग नामों से, लेकिन बिखराव ही बिखराव नजर आ रहा है। और हमारी युवा पीढ़ी जो है उसके साथ हम जुड़े भी हैं, लेकिन देख रहे हैं कि उसके पास वो समझ नहीं है। और समझ क्यों नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि जैसे शहर में जो बच्चे हैं उनको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, या तो शहर का कोई चौराहा मिल रहा है या कोई गली मिल रही है, और उनके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, लेकिन वो उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा है, कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं मिल रहा है। और उसके परिणाम स्वरूप कई बार सामान्य लोगों को और हम लोगों को भी एक धुंध सा नजर आता है, कोई भविष्य का कोई चित्र नहीं दिखता है कि भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी क्या करेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो अंतर है उनको साफ दिखाई दिया कि उस एजुकेशन में केवल उनको शिक्षा मिल रही है, डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन जो चरित्र निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए वो युवा जो है वो भ्रमित है। और समाज कुछ दे तो रहा नहीं रहा है, लेकिन दोष उन पर लगा रहा है कि ये युवा पीढ़ी भविष्य में क्या करेगी, देश को बर्बाद कर देगी, या तरह तरह के लांछन उन पर लगा रही है। तो यहाँ आकर हमको भी प्रेरणा मिली कि आप लोग जो कर रहे हैं भविष्य के लिए भी, एक लोगों की आंखों में जो भविष्य के भारत का स्वप्न है वो भी साफ साफ नजर आ रहा है कि जब ये पीढ़ी आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे इसका विस्तार होगा तो निश्चित ही वो सपना देश का पूरा होगा। और आप लोगों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह बढ़ते रहें और निश्चित ही लोगों के सपनों को एक दिन पूरा करें। थैंक यू सो मच। यस, अभी हमारे जो भी फ्रेंड्स बोलना चाहते हैं हमारे पास, पहली बार जो हमारे यंग दोस्त भी अगर पहली बार रिट्रीट में आए हो वो सब दोस्त भी शेयर कर सकते हैं। Anyone? Aisa? Yes. बहुत टाइम से रिट्रीट में आती हूँ, बहुत टाइम से ओएसएस का काम कर रही हूँ, पर ऐसा बोलती हूँ कि हर बार हर एक को समस्या होती है, मुझे भी होती है, सबको होती है, पर जिस माइंडसेट में, जिस डायलेमा में आती हूँ ना, उसका हर बार यहाँ से रिट्रीट में जवाब लेके जाती हूँ। इस बार भी मैं एक डायलेमा में आई थी,
तो कब के सब बच्चे कन्फर्मिटी बोल रहे हैं, सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं कोई डरने डरने वाली लड़की बचपन से कभी थी ही नहीं, पर somehow एक बहू होने के बाद जो कन्फर्मिटी की बहुत लालसा जो आ जाती है ना, उस लालसा में कहीं बंध रही थी। तो समझती थी तोड़ना है, पर रास्ता नहीं मिल रहा था। और बोलते ना, कोई एक बार रास्ता दिखा दे ना तो रास्ता मालूम होता है, पर कोई एक बार दिखा दे तो कन्फर्मेशन हो जाता है। तो मुझे आज लग रहा है कि वो रास्ता मुझे यहाँ से कन्फर्म मिल रहा है और उस रास्ते पर मैं डेफिनेटली चल सकती हूँ। जो थोड़ी दब गई थी वो वापस खिल सकती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस यंग फ्रेंड्स, ऐसा सन्नाटा तो नहीं होना चाहिए। शायद सब सोच रहे मैं बोलूं कौन बोले। यस कीर्तना, माइक। So this is my first annual retreat. I was just limited to missile competition, missile winner, then life camps, Dream India camp. But I got to see a larger picture of Oasis only in annual retreat. I met a lot of friends from different regions. Maybe I feel that I didn't have that much inspiration to change this country, to contribute this society. Like I had a bit, but I didn't know that I had so much potential to change this society. Like I was waiting, okay, I'll change it after I reach my goal, only then I can contribute. But Oasis has taught me that this second, if you decide, you can change this society. So that potential hidden in me came outside only through Oasis. Mm-hmm. I'm very grateful for that. And MHEs, I wonder, like all those who told, I wonder how well you speak. Then I realized that self-awareness you have developed in these 2 years, you have it better than us. Like the clarity you have, like what is going on in me, what am I feeling, and that willingness to learn in every situation. We also might face the same situation, but we might not learn anything from that. We might not go deep into that, but you go deep into that, you know, you listen to the talk of your heart. That is something amazing which we have to learn. So thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, please, Mike. ओके सो हमारी पर फर्स्ट रिट्रीट छः सौ हिंदे मेरी भी फर्स्ट रिट्रीट है। सो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जाणी एटलू ओछू छे, माणी एटलू ओछू छे, अने मळ्यू तो बहु ज ओछू छे। अने लोको कहे ने कि दुनिया में लालच होवी खराब छे, पण जो लालच आवी होय ने तो दुनिया में लालच होय एटली ओछी छे। Yes, please. यहाँ सबकी बातें हुई, संजीव भाई की, MHE की, MSL की, तो मैं कुछ पेरेंट्स के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं अकेली हूँ कि पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। सो वो मुझे पता है कि मुझे बाहर निकलना है, पर मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुझे रोक रहे। तो वो ताकत जो पेरेंट्स में है, और मैं सभी आंटी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, सो वो बताती है। वो मैं ऐसे बताऊं कि MHE ने जो स्टोरी बताई, उनमें से जो मैं सीखी, उनसे भी ज्यादा मैं आंटियों के साथ में रह के जो सीखी वो। सो थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि आत्मजा दीदी के मम्मी पापा आए, इनके मम्मी पापा आए, मेरे मम्मी पापा नहीं आए यार। वो अंदर से हो रहा था पहले दिन से, तो फिर दूसरे दिन लगा ही नहीं कि यार मेरे मम्मी पापा नहीं आए। सब बहुत अच्छा, कोई वर्ड्स नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल पेरेंट्स, थैंक यू।
यस थैंक यू लक्ष्मी यस मोर फ्रेंड्स और कोई पेरेंट्स यस दो शब्द दो शब्द एक बात तो सच है जो जो पेरेंट्स नहीं सिखाते जो टीचर नहीं सिखाते वो बच्चे यहाँ के सीखते हैं और जैसे सोने को गहना पहनना है तो उसको पहले सोने तपना पड़ता है पिटना पड़ता है जब वो सुंदर गहना बनता है वैसे ही बच्चों का है कि उनको अगर लाइफ में कुछ करना है आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा वो संघर्ष से यहाँ से सीखने को मिलता है कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है और इतनी छोटी उम्र में तो यहाँ ही सीख पाएंगे और इतना आगे बढ़ पाए हैं अगर आप बाहर हो तो इतना आगे बढ़ नहीं पाएंगे और इतनी आपको क्या बोलते थैंक यू थैंक यू सो मच यस माइक प्लीज मुझे भी पेरेंट्स के लिए कुछ बोलना है कि दो दिन पहले जब पहला दिन था ना तब हम लोग बैठे थे तो आपने राजकिशोर जी ने एक बात कही थी कि जब हमारे आंगन में होली जलती है ना तो सबसे सबके घर में से एक एक वो कुंडली कुंडा निकलता है मतलब वो छाना होता है ना वो निकलता है और वो बलिदान होता है तो आपने अंकल ऐसा बोला था कि ये एक यज्ञ चल रहा है कि जिसमें मुझे भी मेरा योगदान देना पड़ रहा है और आपने वो वर्ड्स बोला था लेकिन यहाँ पे बैठे जो जो सभी पेरेंट्स आए थे वो सभी पेरेंट्स वही योगदान से अपने बच्चे को यहाँ पे भेजा है तो मुझे हम सब बच्चों को बहुत प्राउड होता है कि आपने सिर्फ यही किया ना वही बहुत बड़ी बात है मतलब आप ये सोचते हो कि हम ये नहीं कर सके लेकिन आपने जो यहाँ पे भेजा है ना हमें 2 साल के लिए इस प्रोसेस में वो बहुत बड़ी बात है यस हमारे पास लास्ट 2-3 मिनट है और हम कुछ और करने वाले हैं सो लास्ट कोई फ्रेंड्स लास्ट एनीवन ओके सो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब यंग टीम आप सभी को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आप की वजह से ये एनुअल रिट्रीट स्पेशल हुई है यानी हम तो रिट्रीट रख देते हैं लेकिन आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है आप जिस तरह से हमें रिफ्लेक्शन देते हो जिस तरह से हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हो आपकी जो छोटी छोटी स्माइल होती है जो यहाँ पे हम बैठे होते हैं और इतना अच्छा लगता है कि यस हमें एनकरेज कर रहे हैं हमें इतना प्यार कर रहे हैं सो ये सबकी वजह से ये एनुअल रिट्रीट इतनी सक्सेसफुल हो पाई है सो आई गेस ये सिर्फ हम लोगों की बात नहीं है लेकिन हम सबकी कलेक्टिव सक्सेस है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए और इस एनुअल रिट्रीट को इतनी अमेजिंग ब्यूटीफुल लविंग और इतनी अच्छी वाइब्रेंट बना पाए हैं सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू यस सो अभी हमारा ओएसएस का एक कल्चर है और प्रथा मान लो या रिचुअल मान लो सो और वो बहुत ही ब्यूटीफुल रिचुअल है सो पहले तो मैं सारे यूथ्स को रिक्वेस्ट कर दूँ कि प्लीज़ आप बाहर चले जाइए और थोड़े बहुत यहाँ बैठ सकते हैं कुछ लोग घर खाली नहीं होना चाहिए यस सो हमारे जो हमारे स्टाफ के जो लोग फास्ट यस सो हमारी ये इतनी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट है और जैसे कि हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे हॉल में बैठ के इतने अच्छे से
एंजॉय कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी स्टाफ की टीम है जो बैक स्टेज काम करती है, जो हमें टाइम टू टाइम खाना देती है, हमें हेल्प करती है, हमारी चीज़ें और जो डॉर्म्स में हम रहते हैं उसे साफ रखती है। तो जो हमें 5-स्टार फैसिलिटी जो मिल रही है वो भी इतने ज़्यादा प्यार के साथ, वो एक जॉब की तरह नहीं है। सो हमारे जो स्टाफ के मेम्बर्स हैं हम उन्हें हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया। सो मैं उन सभी को बुलाना चाहती हूँ एंड वी रिक्वेस्ट कि सब खड़े होके उनके लिए तालियां बजाएं। यस यस थैंक यू सो मच। आप सभी ने 3 दिन यहाँ पे रहे हो, आप सब ये जो मैजिक फील हुआ है पूरे ओएसिस वैलीज का, सभी को हेवन जैसा लगा होगा, कैसा यहाँ पे फील होता है। तो ये सभी आपको जो महसूस हुआ है, जो फील हुआ है, वो नहीं होता अगर ये हमारी फैमिली नहीं होती। तो ये भी हमारे फैमिली का एक बहुत अभिन्न अंग है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनके बगैर हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पिछले साल ओएसिस वैलीज हम छाती ठोक के अगर बोल सकते हैं कि ओएसिस वैलीज एक भी रात अकेली नहीं सोई थी, तो वो उनकी बदौलत हुआ है। कोविड में कैसी भी हालत हो, बारिश हो, कोविड हो, यहाँ पे फ्लड आया हो, कुछ भी हो, ये जो फैमिली है हमारी वो हमेशा यहाँ पे रहती है। हम सबको जो भी जरूरत होती है, बच्चों के लिए जो काम करना होता है, अगर वो नहीं होते तो हम आज ये काम शायद नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जैसे कि लास्ट ईयर पूरा कोविड का था, हम सबको टेंशन था कि कैसे इंस्टीट्यूट चालू करेंगे, कैसे इसको संभालेंगे, पर इन लोगों ने किया था कि कोई बात नहीं, हम लोग हैं, हम लोग आएंगे और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पूरा करेंगे। उनका घर का प्रॉब्लम था, गांव का प्रॉब्लम था कि कोई आने नहीं देता था, फिर भी वो लोग यहाँ पे आते थे और उनकी जिम्मेदारी लेते थे। दूसरी बात कि ये सब इनका सबका ऐसा है कि अभी हम लोगों को ऐसा नहीं, हमको देखना नहीं पड़ता कुछ भी,
वही लोग सब कर रहे हैं, कोई किसी का भी काम हो खुद ही कर लेते हैं उन्हें अंदर अंदर हम सब। और विनीत भाई ने कोविड की बात की, तो एक भी कोविड का केस जो नहीं हुआ है ओएसिस वैलीज में, तो शायद ऐसा नहीं होता अगर ये सब इन लोगों का साथ नहीं होता, इन लोगों का प्यार नहीं होता, तो दैट इज थैंक्स टू यू। और हम इनको फैमिली इसीलिए बोलते हैं कि ये इतनी छोटी छोटी बात का केयर करते हैं, यानी एक दिन ब्रेकफास्ट में लेट भी आ गए तो डांट सुनने को मिलती है, क्यों आप लेट आते हो, खाने खाने का ध्यान नहीं रखते आप। सो ये इसीलिए हम इनको फैमिली बोलते हैं, ये हर एक बच्चे को प्यार देते हैं, शायद हम सेशन में हो के प्यार देते हैं उनको, लेकिन वो जहाँ कहीं पे भी हो, डॉम में हो, संयम में हो, कहीं पे भी हो, वहाँ से भी वो बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों के लिए, उनके दिल में बच्चे ही हैं, तभी जाके ये काम हो सकता है। सो यस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। माने जब मैं अकाउंट्स में बहुत पहले आया तो ओएसिस वैलीज का अकाउंटिंग में कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि मुझे रजिस्टर में जो टाइम है उसके हिसाब से सब लोग आने चाहिए, उसमें कोई भी लेट हो तो मुझे चलाना नहीं है। सो मैं तो बहुत ही फॉर्मली माने एकदम उनको मैं यहाँ पे देखता था, समझता था, ऐसा नहीं करता था, बट मैं देखता था कि नहीं रजिस्टर में 15 मिनट्स या 30 मिनट्स लेट हुए माने ये बराबर नहीं है, मुझे तो अकाउंट्स की वैल्यूज फॉलो करनी है। सो ऐसी मेरी ऐसा मैंने स्टार्टिंग में किया था, मुझे मालूम नहीं था कि वो लोग की सिचुएशन क्या है, मैं उनको एम्पथाइज एक्चुअली नहीं कर पा रहा था, बट मैं सिर्फ उसमें वो रजिस्टर में देखता था कि नहीं 30 मिनट्स लेट है या 40 मिनट्स लेट है, एक घंटा लेट है कोई दिन, तो बस मैं उससे ही जज कर रहा था। सो लेकिन जैसे जैसे मैं समझता गया, उनको भी देखा मैंने, और फिर मैंने मेरी जगह पे माने उनकी जगह पे मेरी मम्मी को या मुझे खुद को भी रख के देखा कि मुझे 8 बजे सुबह में, यूजुअली तो ऑफिस का टाइम 10 o'clock या उसके बाद 9 to 5 या 10 to 6 ऐसा कुछ टाइम होता है, यहाँ पे ये लोग 8 बजे उनके घर की सब रिस्पांसिबिलिटी फिनिश करके, उनके घर पे भी बच्चे हैं, पेरेंट्स माने उनके घर में भी खाना बनाना है उनको, उनके काम करने हैं, वो सब काम पूरे करके, क्योंकि उनको भी कुछ देश के लिए करना है, उनको भी कुछ सोसाइटी के लिए करना है, वो लोग 8 बजे यहाँ पे आते हैं और 6 बजे तक हमें हमारे साथ 10 घंटे कंधे से कंधा मिला के पूरा काम करते हैं। वो चीज जब मैंने देखी तो मुझे भी वो चीज आई कि सिर्फ रजिस्टर से या सिर्फ पेपर वर्क से काम नहीं होता है, काम उनको, वो लोग भी इंसान है, वो लोग भी समझते हैं, सीखते हैं, और इतनी जो मेरा खुद का पैराडाइम बन गया था वो मेरा चेंज हुआ, और फिर मैं उनको वो रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगा कि वो लोग कितना काम करते हैं, 10 घंटे तक काम करते हैं। मैं मुझे मालूम है संयम में जब खाना पिरोसते हैं तो सबका टाइम हो जाता है, 1 o'clock हमारा लंच टाइम है तो उनका भी लंच टाइम है, बट 2 बजे तक 2:30 बजे तक जब तक हम सब खाना नहीं खाते वो अकेले वहां पे खाना पिरोसते हैं, और इतने प्यार से पिरोसते हैं कि हमको लगता नहीं है कि ये लोग कोई स्टाफ मेंबर है, ये हमारी फैमिली ही है, और इससे ज्यादा क्या हम कोई स्टाफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो चीज थी वो मुझे इतनी छू गई, और उसके बाद जो मामला माने हम उसके बाद जब एक एक आदमी एक एक चीज एक एक फ्रेंड्स की साथ बात करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो उतने प्यार में पड़ते हैं हम सब लोगों के बीच में कि क्या बताऊं। माने दीला काका है, उनकी इतनी एज है माने मेरे दादा की एज है, मेरे दादा से भी बड़े हैं, फिर भी वो उनसे जितना हो पाता है, कोई नहीं बोलता उनको कि आप आके काम करो या आप हमें ऐसी ड्यूटी दो, लेकिन वो पूरी वैली जो है वो जितना हो सकता है उन्होंने खुद से सामने से बोला है कि नहीं मुझसे जितना हो पाएगा जब तक मेरे हाथ पर चल रहे हैं मैं किसी न किसी तरह से ये चीज को इस सोसाइटी को मैं हेल्प करना चाहता हूँ, और ऐसे सब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। सो हम तो एक छोटी सी हम भी मिसाल है, लेकिन हमारी हम जिनसे इंस्पायर होते हैं ऐसी ये सब पूरी मिसाल है, ये सिर्फ स्टाफ नहीं है। सो ये इसलिए मुझे इतनी उछल उछल के ताली बजाने को इतना मन कर रहा था, इतना खुश हो रहा था मैं कि हम ऐसा कुछ भी साथ साथ में कर रहे हैं। थैंक यू। अगर मुझे कहना हो
सो यहाँ पे जितने भी बैठे मुझे मेरे मम्मी पापा ही लगते हैं, यानी मम्मी की तरह जो ध्यान रखते हैं ना कि हर छोटी छोटी चीज का उनको पता होता है कि मुझे कब गर्म पानी चाहिए, कब मेरी अभी विंटर है तो मुझे अदरक का जूस चाहिए, ये चाहिए, तो हमेशा आके अरे दीदी आपको ये चाहिए था ना, ये रह गया ना बेटा, आप ठीक तो हो, और कुछ चाहिए? और लिटरली मुझे कुछ चाहिए होता है और मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ ना मुझे ये ला के दोगे तो तुरंत भागते हैं। मैं सोचती हूँ कि यार मेरे पास ये स्पिरिट इतना नहीं होता है कि मैं हमेशा भाग भाग के करूँ, लेकिन ये हमेशा भागते रहते, लास्ट मिनट पे भी फोन करके बोलो ना कि सॉरी मीटिंग है, आप ये हेल्प कर सकते हो, यस। सो कभी भी मुझे इनके फेस पे है ना गुस्सा या टेंशन या थकान नहीं दिखाई दी है। थक जाते हैं, इतना काम कर रहे हैं तो इमेजिन कर सकते हैं कि उनको भी थकान लगती होगी, लेकिन जो एंथुजियाज्म है, जो लव है, जो इन्होंने मुझे दिया है, तो आई गेस इनका सपोर्ट है तो शायद मैं इतने अच्छे से कर पाती हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, उनकी मम्मी की तरह जो ध्यान रखने की आदत है वो नहीं होती, तो शायद कुछ मेरा भी बेस्ट नहीं आ पाता जो मैं यहाँ पे दे पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच। तुम्हारे का शू कहू छे? હેલો બધાને નમસ્કાર, મારા મારું નામ વર્ષાબેન છે, હું અહીંયા જૂના માંડવાથી આવું છું, આમ તો બધા ઓળખે છે પણ કોઈક નવા ભાઈ મિત્ર બહેનો હોય એ લોકોને ઓવર ફેમસ છું અને કિચન અહીંયા મેઇન કુક તરીકે કામ કરું છું। પહેલાં તો બધું આટલું બધું અમારું સ્વાગત કરું, બધા આવનાર ભાઈઓ મિત્રો અહીંયા ઓવી પર રહેનારા અમારા બાળકો મિત્રો એ બધાને અમારું પ્રેમભર્યું સ્વાગત કર્યું, એના માટે બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ બધાને। મારું નામ નીરુબેન છે અને હું છેલ્લા 7 વર્ષથી અહીંયા કામ કરું છું અને ફેન્સી ફ્લોર પર હું ઇન્ચાર્જ છું। હેલો, મારું નામ ઇમરાનભાઈ છે, એ મોટા ભાગના તો ઓળખતા જ હશે, અહીંયા મેં લગભગ 12 વર્ષ થઈ ગયા છે, મને ના સોરી 10 વર્ષ થયા છે, જાનું આનું બાંધકામ થયું હતું ત્યારથી મેં અહીંયા છું, ત્યાર પછી બહુ ચડતી પડતી આવી, પણ અહીંયા એવો પ્રેમ છે કે છોડવાનું મન નહીં થતું, કારણ કે એવું બધું એમ ગાઢ રહસ્ય છે કે એવું બધું જાણવાનું બધું એવું નોલેજ મળે છે, તો પણ અહીંના જે સિદ્ધાંતો જે શીખવા મળે છે ને તે બહારની જિંદગીમાં બહુ મદદ મળે છે, એટલે અહીંના જે સારા સિદ્ધાંતો છે ને તે વ્યવહારિક જિંદગીમાં હોય મેં અમલ કરું છું અને એ બહુ જ ઉપયોગમાં થાય છે, અને બીજી જગ્યાએથી અહીંનું વાતાવરણ બહુ જ ખાસું અલગ જ પડે છે, એટલે જે બહારમાં જે કે બધું વાતાવરણ અલગ ચાલે છે અને અહીંયા અલગ વાતાવરણ ચાલે છે, અહીંયા બધા હકારાત્મક પ્રોજેક્ટિવ વિચારો બધા મળે છે, અને જો કોઈ બીજી જગ્યાએ આપણે કંઈ જાણવા મળે તો કંઈ નેગેટિવ હોય એવા છે એવા બધા વિચારો જાણવા મળે છે, એટલે જે હકારાત્મક વિચારોથી જીવનમાં થોડુંક પરિવર્તન આવે છે અને ફાયદો થાય છે। મારું નામ દિલીપસિંહ રાયસિંહ મોરી છે, હું જૂના માંડવાથી આવું છું, ને હકીકતની અંદર આજે મારી ઉંમર છે 70 વર્ષ છે, 70 વર્ષની ઉંમર થઈ છે, છતાં હું હિંમત હારતો નથી, હંમેશા માટે જેવું મેં જીવન જીવું છું એવી રીતે તમે હો જીવનની અંદર એક વસ્તુ એક મતલબ રાખો કે આગળ હટો, આગળ બળો, ગમે તે થાય પણ જીવનની અંદર તો બેસો નહીં, એ રીતે મેં એ રીતે જે ચાલુ છું, મને અહીંયા કે ઓએસિસને આવ્યા પછી મને સારા સારા અનુભવ થયા છે, એને આવ્યા પછી મારી પરિસ્થિતિ પહેલે એકદમ
नबड़ी थी पर हमने विचारों अमल में लई ने धीरे 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 मैं आज प्रगति ना पंथे जय रहो छु। नमस्ते। હેલો તમે બધા મને ઓળખો જ છો ને બધા મજા આવે છે તો તમને જઈને અમને મજા આવે મારું નામ દક્ષા છે હું જૂના માંડવાથી આવું છું આમાંથી થોડા જણ તો મને ઓળખે જ છે પણ થોડાક જણા હું નથી જાણતી થેન્ક યુ આટલું બધું અમને સન્માન આપવા માટે અને પહેલાં તો મને અહીંયા કશું જ નહોતું આવડતું મારા ઘરે પણ કશું નથી કરતી પણ અહીંયા આવીને મને બધું બહુ જ શીખવા માટે જાણવા માટે મળ્યું થેન્ક યુ મારું નામ દીપિકાબેન હું જૂના માંડવાથી આવું છું સાસ ઘરેથી આવીએ તો માથે ઓળીને આવીએ અહીંયાથી પગથે ચડીએ એટલે માથું ખુલી જાય કે ક્યાં જાઓ છો બાકી અમે પિયરમાં જઈએ છીએ ऑडियंस ऑडियंस में से किसी को कुछ कहना हो किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ हो नए गेस्ट जो पहली बार आए हैं शायद ओएसिस वैलीज पे बहुत सारे पेरेंट्स भी पहली बार आए हैं बहुत सारे गेस्ट भी पहली बार आए हैं तो उनसे हम सुनना चाहेंगे कि उनको कैसा लगा ओएसिस वैलीज की ये हमारी फैमिली जो है उनके बारे में हम बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बोलोगे तो सो प्लीज एनीबडी कोई નમસ્કાર સબકો ઓએસિસ વેલીમાં આવવાથી ઘણો જ આનંદ મળ્યો અને આ ફેમિલીને જોઈ ઘણો જ ખૂબ આનંદ થયો અને આ જ રીતે આ ફેમિલીનો પ્રેમ આ બાળકોને મળતો રહે એવી અપેક્ષા સાથે નમસ્કાર ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એવું કહ્યું કે યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ બસ આ બધા એના જીવતા જાગતા ઉદાહરણો છે એવું કહેવાય છે કે માનો લાડ હોય ને તો પેટથી દિલ સુધી પહોંચાય ને અમારા બધાના પેટથી દિલ સુધી પહોંચી ગયા છે હવે તમે લોકો બધા એટલે જમવાનું સરસ હોય ને અને દિલથી બનાવેલું હોય ખાસ તો એ એટલી જ સરસ અસર થાય છે એટલે આપ આપ સબને જો ભોજન કરાય વાકે કાબિલે તારીફ હર ચીજમાં મીઠાસથી ચાહે ઉસમે ગુડ શક્કર ના હો પણ હર ચીજમાં મીઠાસથી जिस तरह से आप सब लोग मैं 3 साल से इधर आता हूँ तो मैं देखता हूँ जिस तरह से आप हाउसकीपिंग से लेके छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखते हो इस ये आपका प्यार नहीं हो तो ये पॉसिबल नहीं है इसलिए आप सबको मेरा नमस्कार है थैंक यू ओके सो मैं बोलना चाहूँगी स्टाफ के मेंबर्स के लिए मेरी जो जर्नी है एमएचई की जब से मैं यहाँ पे आई हूँ
मैंने आज तक कभी गांव नहीं देखा, गांव के लोग नहीं देखे, पर जब मैं यहाँ पे आई और पहले तो मुझे बहुत अकेला फील होता था यहाँ पे, लेकिन जो स्टाफ से प्यार मिला, अगर यहाँ पे भी स्ट्रगल्स फेस करते हैं तो बहुत बार टेंशन में घूमते हैं, गुस्सा आता है, रोना आता है, लेकिन स्टाफ के मेंबर्स इतने अच्छे हैं, देखते हैं बोलते हैं बेटा तुझे कुछ हुआ है क्या, तो इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों घूम रही, तुझे कुछ हुआ है क्या। उन लोग का जो प्यार होता है ना, और उन लोग का ऐसा गोल होता है कि एक भी बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आज भी मुझे कुछ भी बॉइल खाना होता है या फिर मेरा खाना नहीं बना होता है और मैं उनको बोलती हूँ मासी मेरे लिए खाना नहीं बनाया आपने, तो बोलते हाँ रुक बेटा अभी तेरे लिए बना के लाती हूँ मैं, तो अपना काम छोड़ के अपना जो ब्रेक टाइम छोड़ के मेरे लिए खाना बनाते हैं, अलग से खाना बनाते हैं, तो उनका जो प्यार होता है उसमें दिखता है। और मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी जो भी अलग प्यार देते हैं, काम करते हैं, बोलते ना मोटिवेशन तो इनसे ही मिलता है, सो थैंक यू वेरी मच। एक इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी ही चाहिए। अभी हमने जो कोविड के वजह से हमारा जो पब्लिकेशन का इनॉग्रेशन हमने सब सात जगह साथ में किया, तो जो यहाँ पे ओवी पे जो इवेंट थी, तो मैंने बोला अभी तो मैं रिटायर हो रही हूँ तो मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, तो एंकरिंग वगैरह हम लोगों ने किया था, मगर जो गांव के लोगों से इन्विटेशन भेजना था, बुलाना था, रजिस्ट्रेशन करना था, वो सब ये पूरी टीम ने किया था। दूसरी एक बात ऐड कर लेती हूँ, उस तरह से फिर बिकॉज ऑफ कोविड अगेन जब भी खाली होती है इंस्टीट्यूट तो हमको होता है कि कैसे कुछ कर ले, तो कल्पना बेन और दूसरे तीन चार लोगों ने अगेन लाइफ कैंप भी हार्दिक के लिए एक 40 बच्चों का 38 बच्चों का ऑर्गेनाइज कर दिया, दो लाइफ कैंप उन लोगों ने ऑर्गेनाइज करके दिया। थैंक यू। लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा कि हम लोग बड़ी बातें करते हैं, एजुकेशन ऑफ हार्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, ये बड़ी बड़ी टर्म्स यूज करते हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, बच्चों को प्यार मिल रहा है, तो इसी मकसद के साथ वो हम डेडिकेशन क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, वो 2400 घंटे जीते हैं। हम तो वर्कशॉप में सीखते हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कई जगह पे फेल होते हैं, कई जगह पे सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ये लोग ये सारी चीज़ें 2400 घंटे जीते हैं और हमको हमेशा इंस्पायर करते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी को। मेरे को स्टाफ के लिए बोलना था, स्टाफ की बात और मैं ना बोलूं। ए स्टाफ में मतलब ए हमारी फैमिली में इतनी काबिलियत है कि अगर इनमें से कोई भी एक 5-स्टार होटल में जाके सिर्फ एप्लीकेशन देगा ना, ऐसी कोई भी होटल नहीं होगी 5-स्टार जो इनको मना करे, इतनी इनमें काबिलियत है और ओनरशिप भी इतनी है। मतलब काम में क्या होता है, काम करते काम खत्म हो गया घर पे आते, लेकिन इनमें इतनी ओनरशिप है कि वो अपना काम समझते हैं, मतलब किसी का काम नहीं होता ना फिर भी वो मेरा घर का है ऐसा समझ के करते हैं, इसीलिए हम इनको हमारी फैमिली मानते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी के साथ हम ओएसिस वैलीज पे आप आए हो एनुअल रिट्रीट का एंड करते हैं और आखिर में हम लंच लेके यहीं से विदाई लेंगे। इससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है तो प्लीज। एमएसएल्स के जो दोस्त हैं उनको यहाँ पे रुकने की रिक्वेस्ट है, एक प्रॉमिस दिया था उनको इसलिए। सॉरी सॉरी, मुझे 5-10 मिनट चाहिए है, ले लूँ? हाँ। सो हमारी जो फोटोग्राफर्स की जो टीम है, यानी हमने स्टाफ के लिए जैसे ये हमारी फैमिली है, लेकिन कैमरा के पीछे जो लोग होते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर वो नहीं होते तो इतनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो होती है वो कैप्चर नहीं हो पाती है। सो हम उनका भी थैंक यू बोलना चाहते हैं। यस। Yes.
जितना भी मैंने इन सब लोगों के साथ काम किया, वैसे आप सबको पता होगा कि बाहर से जब जितने भी लोग आते हैं तो उनको खाने में काफ़ी दिक्कत होती है इस वैलिस में। मुझे पता है इन लोगों को यहाँ का खाना बहुत नहीं भाया, लेकिन फिर भी भूखे रहेंगे, जो होगा वो करेंगे, लेकिन काम में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भूखे रहेंगे, कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे कि इधर ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। और जो काम के लिए जो पूरा डेडिकेशन है, पूरा लगा के, कभी जभी कुछ इश्यू आ जाते, प्रॉब्लम आ जाते, तो रात को लेट लेट तक काम करना, फिर सुबह जल्दी आ जाना, दूसरी कुछ चीज नहीं, पर तुम्हारी इवेंट में कुछ 1% पर मिस नहीं होना चाहिए ना, वो इन लोगों ने इतना बखूबी काम किया है कि उसके लिए तो उन्हें तालियां मिलनी ही चाहिए। आपको कुछ कहना है, आपका पहली बार आए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप तो कैप्चर करते हैं तो काफी सारी चीजें आपको, आप भी ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जी हम बहुत बार बहुत जगह पे गए हैं, लेकिन यहाँ जो देखा सबसे अलग था, और रियल में जैसे आप बोलते हैं हमने पहली बार ऐसा देखा है, एक्चुअली में बहुत खुश हो गया, और हमें भी जैसे आप बोलते हैं हमें बहुत सीखने का मिला इसमें से, और हम भी जाके सबको ये बोलेंगे थैंक यू आज। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे आया ना तो मैं आगे 4 दिन काम करके आया था, मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे आया मुझे लगा नहीं कि मैं थका हुआ हूँ, और आप सबके यहाँ पे जो काम कर रहे हो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और दृष्टि है, फिर वो कसी से उन लोगों को कुछ स्टोरी सुनी, सामर्थ्य आपको कुछ प्रोग्राम सुने, बहुत ही जोरदार थे, बहुत ही शक्ति दिया हम लोगों को काम करने के लिए, बिल्कुल हमको थकाया नहीं है। ऐसा हो रहा है कि अभी भी 1-2 दिन प्रोग्राम चलेगा तो हम लोग करने के लिए रेडी है, अभी है, कोई टेंशन नहीं है। सबके स्टोरी बहुत ही बढ़िया थे, हम लोग खून कम करके नहीं जा रहे, खून बढ़ा के जा रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जैसी टीम मैंने अभी तक नहीं देखी, जिस डिसिप्लिन से, जिस एस्थेटिक सेंस से ये सब मोमेंट को आपने कैप्चर किया, तो वो हम ऑब्जर्व कर रहे थे। जब म्यूजिक वाला सेशन चलता था तो किसी के पैर की वो ताल के साथ हलते थे, तो उसको भी आपने इस तरह से खूबी से कैप्चर किया, तो ये जो एस्थेटिक सेंस है वो सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं आती। तो मुझे तो लगा कि आप हर बार एनुअल रिट्रीट में आते होंगे, लेकिन आपने बोला कि पहली बार आए, तो आपको भी बहुत बहुत सैल्यूट है कि आपका काम आपने जिस तरह से किया, और बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब क्वालिटीज हमको भी आपके आप में दिखाई दी। सो थैंक यू वेरी मच। संजीव सर के बारे में कुछ कहना है? संजीव सर जो भी कर रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, मुझे इन सभी में मेरी बच्ची नजर आती है, स्पेशली मुझे दृष्टि में भी मेरी बच्ची नजर आती है, और संजीव सर आपको सैल्यूट है, आप जो भी कर रहे हो आप बस मुझे तो भगवान से कुछ कम नजर नहीं आते। मैं हम लोग यहाँ पे जब से आए हैं पिछले 2 दिन से यहाँ पे सब लोग जो भी हो रहा है हम लोग आपको खाने के टाइम पे भी चर्चा करते हैं, सोने के टाइम पे भी चर्चा करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को कुछ सोचते कुछ और है और करते कुछ है, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बिल्कुल थकावट महसूस जरा भी नहीं हुई है, खाना बने मुझे नहीं भाया है, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है कि खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच। ये नीलेश भाई बोल रहा है कुछ, पर बोल नहीं पा रहे, क्यों पता नहीं, वैसे बहुत बोलते हैं आप लोगों के बारे में कि बहुत अच्छे कर रहे हैं लोग, पर पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। पहले तो मैं एक चीज ये कहूंगा कि आप सबका बहुत प्यार मिला, उसके लिए आपके खुद के लिए तालियां बजा दो, और दूसरी एक ये बात है कि जो कमेटी के मेंबर सबसे बड़े भगवान ये कहने के अकेला थे कि जो माँ बाप करते भी अपने को प्यार से जब सबको खाना खिलाया, सबको अच्छी तरह रखा, उनके लिए एक बार ताली बजा दी, और सब एक बार खड़े होकर संजय भाई के लिए ताली बजा दीजिए। आज संजय भाई बीच में आ जाओ आप भी, एक बार हमारे साथ में बीच में आ जाओ। Yeah.
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, सुनना जरा। फूल तो कली होती है, कली खिल दी है, कली खिलने के बाद फूल खिल जाता है, पर ये तो समझ जाओ कमल ही है, कमल गिट्टर में होता है पर वो खिला ही रहता है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भगवान समझो या आप उनको कुछ भी मानो, इसके लिए इनका साथ कभी मत छोड़ना, इनके साथ लेके और दूसरे बच्चों को भी आगे लेके आना। और आज संजय भाई हमको बुलाया, संजय भाई बुलाया तो हम आपके सामने और अच्छा परफॉर्मेंस इससे भी ज्यादा और देने की ट्राई करेंगे। थैंक यू। अभी कंक्लूड करते हैं।